के साधु संतों ने जो ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वहां जो है राम मंदिर का निर्माण करें, तो मैं केंद्र की सरकार और यूपी सरकार से और ख़ासकर जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि वो मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान चाहता है और सब्र व इत्मीनान चाहता है और सब्र के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुसलमान बार बार यही ऐलान कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अयोध्या, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में आएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन कुछ फ़िरका परस्त साधु संत जो है मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उन लोगों ने ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वो राम मंदिर का निर्माण करें। मैं ये पूछना चाहता हूं साधु संतों से, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इस तरीके की जल्दबाजी करके मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? मेरी नज़र में जो इस तरीके के साधु संत हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अमन व अमान को बर्बाद करना चाहते हैं, मेरी नज़र में ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान और हमारे मुल्क के गद्दार हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं केंद्र की सरकार और यूपी सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना चाहते हैं और हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, और हमारी केंद्र की सरकार और यूपी सरकार उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती तो हम यही समझेंगे कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार उनके साथ है और उनका साथ दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।